गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी, जहां हम करते हैं शेयरों की खोज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग शेयर्स ढूंढकर उन्हें खरीद कर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोज़ किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके। वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिए गए हैं, इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज करके हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए इस सेशन को, हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी और हम सीख रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फ्रेंड्स, इससे पहले की उम्मीद है हमें प्लेलिस्ट जो हमारी थी लर्न टू अर्न सीरीज़ की आपने कम्प्लीटली देख रखी है और आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानकारी हो गई है। और इस समय हम सीख रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप, एक एक वीडियो, वन टॉपिक एट ए टाइम। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल के और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस पूरी तरह से सीखने के लिए आपको इन वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप देखना ही ज़रूरी है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है अदर इनकम। अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ही कवर कर लिए हैं, और एक बार रिवाइज कराने के तौर पर हम आपको बता देते हैं कि बॉटम लाइन जब हम डिस्कस कर रहे थे उस समय हमने आपको बताया था कि किसी भी कंपनी की बॉटम लाइन का मतलब है कंपनी का जो कुल प्रॉफिट है, जो कंपनी अपनी जेब में ले जा रही है, यानी नेट प्रॉफिट, वो है कंपनी की बॉटम लाइन। ओके, आज का ये टॉपिक है अदर इनकम। असल में अदर इनकम होती क्या है और क्यों अदर इनकम इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना, इसकी वजह है कि कई बार किसी भी बैलेंस शीट को या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करते समय आपसे बहुत मामूली सी गलती हो जाएगी। आप किसी कमज़ोर सी बैलेंस शीट को या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को मजबूत समझ लेंगे। उससे बचने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए अदर इनकम की। आप लोगों को याद होगा विपसॉ, जो कि हमने आपको सिखाया था टेक्निकल एनालिसिस की जो हमारी प्लेलिस्ट थी लर्न टू अर्न सीरीज की, उसके अंदर कि निवेशकों का सबसे बड़ा दुश्मन है विपसॉ। ठीक उसी तरह से अदर इनकम के साथ भी है। अगर आपको नहीं पता है कि अदर इनकम क्या है तो आपसे एक मेजर गलती हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अदर इनकम है क्या। अगर डिक्शनरी में आप इसकी डेफिनेशन ढूंढेंगे तो इसकी डेफिनेशन है कि अदर इनकम इज इनकम दैट डज नॉट कम फ्रॉम अ कंपनीज मेन बिजनेस। कंपनी के मेन बिजनेस से जो नहीं आ रहा है। खैर, अगर समझने में आपको थोड़ा कठिन लग रहा है तो हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। ठीक, मिसाल के लिए आपके पास में एक कंपनी है एक्स वाई जेड नाम की, जो कि बल्ब बनाने का काम करती है। अब बल्ब बनाने वाली आपकी कंपनी बल्ब से तो प्रॉफिट कमाती है, जितने वो बल्ब बेचती है साल दर साल उससे उसको प्रॉफिट जनरेट होता है। ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है, यानी कि मुख्य प्रॉफिट जो कंपनी के मेन बिजनेस से आ रहा है। इसके अलावा भी आपकी कंपनी और बहुत सारे काम करती है, जैसे भाई आपने जब कंपनी इस्टेब्लिश की थी तब कुछ पैसा आपने फिक्स डिपॉजिट में रखा होगा, आपकी कंपनी के पास बहुत सारी ज़मीन भी होगी, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होंगे। मान लीजिए कि किसी साल कोई फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो गया और आपको उस पर 10% का इंटरेस्ट मिला, करीब 100 रुपये, और हर साल आपकी कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट करती है ना सिर्फ बल्ब बेचकर, तो मान लीजिए कि 2015 में आपकी कंपनी ने प्रॉफिट बेचकर बल्ब प्रॉफिट कमाया 10 रुपये, अगले साल फिर 10 रुपये, अगले साल फिर 10 रुपये, तो हर बार आपकी जो बॉटम लाइन होती है वो 10 रुपये होती है। लेकिन 2019 में आपका फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो गया और आपको उस पर 10 रुपये इंटरेस्ट मिला, वो भी आपके बॉटम लाइन में ऐड होगा, और इस साल मुनाफा क्या दिखाया जाएगा 20 रुपये। तो अचानक से किसी देखने वाले को ये लग सकता है कि अरे इस कंपनी का मुनाफा तो अचानक से डबल हो गया, यानी कि ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, यानी इसके अंदर बाई करना चाहिए हमको। बट ज़रा एक चीज़ बताइए कि जो ये मुनाफा इस साल आपको 10 रुपये मिला है, क्या अगले साल फिर से मिलने वाला है? नहीं, क्योंकि अगले साल आपकी कोई पॉलिसी मैच्योर नहीं होने वाली, आपका कोई फिक्स डिपॉजिट मैच्योर नहीं होने वाला। या मिसाल के लिए हर साल आपका मुनाफा बल्ब बेचकर 10 रुपये आता था, किसी एक साल आपने अपनी कंपनी की कोई ज़मीन बेच दी, उस ज़मीन बेचने से आपको 200 रुपये मिले, उस 200 रुपये को भी आपको अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अंदर डालना पड़ेगा, और ये आ जाता है मान लीजिए आपके नेट प्रॉफिट में जुड़ गया और आपका मुनाफा दिखाने लगा 210 रुपये। तो क्या आप ये समझेंगे कि आपकी कंपनी का मुनाफा 210 रुपये हर साल होगा? नहीं, ये सिर्फ एक साल मिला है, वन टाइम है, ये हर साल थोड़े आएगा। और इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी कंपनी का मुनाफा जो है उसके अंदर 20 गुने का जंप आया है।
ये वो सारे इनकम्स जो रेगुलर इनकम नहीं है आपकी कंपनी की, जो आपकी कंपनी के मुख्य बिजनेस से नहीं जनरेट हो रही है, इसी पर्टिकुलर पार्ट को फाइनेंस की भाषा में हम कहते हैं अदर इनकम। तो अदर इनकम क्या है? वो सारी इनकम या वो सारी आय जो आपके कंपनी के या किसी भी कंपनी के मुख्य धंधे से नहीं आ रही है, वो है अदर इनकम। नाउ अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अदर इनकम की? तो अदर इनकम की इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी का धंधा खरीद रहे हैं, बिजनेस। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कंपनी का धंधा स्ट्रांग है भाई। अगर कंपनी का धंधा स्ट्रांग नहीं है तो कंपनी लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करेगी। अगर कंपनी में अदर इनकम बहुत ज़्यादा है और कंपनी का सारा मुनाफा अदर इनकम से ही आ रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी का अपना धंधा बहुत मंदा है। ऐसी कंपनी का धंधा कितने साल तक चलेगा? ज़मीन बेच बेच कर कोई कब तक खाएगा जब तक उस कंपनी का बिजनेस ही ठीक काम नहीं करेगा? इसलिए अदर इनकम को हमेशा, जो भी आपका बॉटम लाइन या नेट प्रॉफिट निकल रहा है ना, उसमें से अदर इनकम को हटा दीजिए और फिर ये तय कीजिए कि बॉटम लाइन बढ़ रही है या घट रही है। क्योंकि ज़मीन इस साल बिकी है, अगले साल नहीं बिकेगी। फिक्स डिपॉजिट इस साल मैच्योर हुआ है, अगले साल मैच्योर नहीं होगा। और अब देखते हैं कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पर अदर इनकम किस जगह आता है और इसे हमें कैसे एनालाइज करना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, जो टॉप लाइन है इसी टॉप लाइन के पास में आपको अदर इनकम मिल जाएगा, इन्फोसिस। अदर इनकम साल दर साल आती रहती है इनके पास, कितनी? 3700 करोड़, 3000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़, 2800 करोड़, यानी लगभग 3000 करोड़ रुपए इस कंपनी को हर साल अदर इनकम से मिलता है। अब कंपनी की बॉटम लाइन देखिए, 12000, 12600, 13800, 14000 करोड़। तो जब भी कभी भी आपको इन्फोसिस की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, इस वैल्यू से इसकी अदर इनकम हटा दीजिए। या अगर थोड़ा सा कठिन लग रहा है सुनने में तो बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज बताते हैं। हमेशा कंपनी का रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट जो है वो अदर इनकम से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी बॉटम लाइन अदर इनकम से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? जो ये आपकी नेट प्रॉफिट होता है ना, इसके अंदर ऑलरेडी अदर इनकम जुड़ी हुई होती है। ठीक, अब ज़रा कुछ एग्जांपल्स ध्यान से देखिएगा। एक पर्टिकुलर एग्जांपल हम लेकर आए हैं आपके लिए, फूड्स एंड इन्स। आप में से वो लोग फ्रेंड्स जो हमारे लाइव सेशन से जुड़े रहते हैं, उन्हें पता है कि ये कंपनी हमसे पूछी गई थी। हमारी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सर फूड एंड इन्स के फंडामेंटल्स कैसे हैं और इसके फंडामेंटल्स एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, सो इसके फंडामेंटल एनालिसिस करके हमें बता दीजिए कि कंपनी कैसी है। और हमने फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद जब एनालिसिस दी है उनको, तो हमने उनको बताया कि करंटली कंपनी बाय करने लायक नहीं है। उसकी वजह यह है कि कंपनी की अदर इनकम्स बहुत ज़्यादा हैं। ज़रा ध्यान से देखिए कि इस बात का मतलब क्या है। अदर इनकम को ध्यान से देखिए, कंपनी की 2.5 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ रुपए, 14 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए, 119 करोड़ रुपए। अगर इस अदर इनकम को आप कंपनी की नेट प्रॉफिट के साथ कंपेयर करें तो कंपनी की सिर्फ नेट प्रॉफिट देखिए, 12 करोड़ रुपए, 61 लाख रुपए, 5 करोड़, 6 करोड़, अचानक से 109 करोड़, तो आपको देखकर ऐसा लगेगा अरे वाह, 6 करोड़ से 109 करोड़ कंपनी की रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट तो बहुत बढ़िया है, यानी कंपनी का धंधा बहुत अच्छी तरह से बढ़ा है, कंपनी की प्रॉफिट बढ़ी है, इसका मतलब ये कंपनी खरीदने लायक है। बट अगर आप कंपनी की इस नेट प्रॉफिट में से कंपनी की अदर इनकम कितनी है, 119 करोड़ रुपए, इसे हटा देंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी तो घाटे में है भाई। 119 करोड़ रुपए को अगर हटा दें 109 करोड़ रुपए में से, तो कंपनी अभी भी 10 करोड़ के घाटे में है। इस साल मार्च 19 में कंपनी फूड एंड इन्स 10 करोड़ के घाटे में है। अभी समझ में आया? इसलिए आपको अदर इनकम्स को बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। हर बार नहीं, बट जब भी कभी आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि कंपनी की अदर इनकम कंपनी की रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट से बहुत कम होनी चाहिए। कंपनी की अदर इनकम कंपनी की रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट से बहुत कम होनी चाहिए, ये बाइबल है एक पर्टिकुलर पॉइंट। इसलिए जब भी कभी भी कंपनी की बॉटम लाइन आप डिस्कस करें, उस बॉटम लाइन से कंपनी की जो अदर इनकम है उसे हमेशा हटा दीजिए, वरना आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बहुत ही भ्रामक होगी और तब आप कंपनी के जाल में फंस सकते हैं। ये है फ्रेंड्स कंपनी की अदर इनकम। अदर इनकम
वन टाइम इनकम है जो कभी एक साल कभी दो साल मिल जाती है ऐसी। कुछ कंपनियां हैं जैसे इन्फोसिस जैसी कंपनी जिन्हें रेगुलर अदर इनकम मिलती रहती है। इस केस में आपको हमेशा कंपनी की नेट जो नेट प्रॉफिट है या कंपनी की जो बॉटम लाइन है वो हमेशा उसकी अदर इनकम से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो कंपनी निवेश के लायक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि जो ये आज का हमारा वीडियो था अदर इनकम का, एकदम लेमैन लैंग्वेज रखनी थी, बिल्कुल आसान शब्द रखने थे, कोई कठिन नहीं, कोई जार्गन्स नहीं, नॉलेज का कोई शो ऑफ नहीं, ताकि आपको पता चले कि असल में अदर इनकम होती क्या है। इस सेशन का, इस सीरीज़ का मकसद अपना नॉलेज शो ऑफ करना नहीं, बल्कि आपको ये समझाना है लेमैन लैंग्वेज में कि अदर इनकम क्या है। तो अदर इनकम है वन टाइम इनकम जो मिलने वाली है, चाहे वो किसी फिक्स डिपॉजिट के मैच्योर होने से मिले, चाहे किसी से उधार वापस हमको मिल गया हो तब मिले, या फिर ज़मीन बेच कर मिले। तो ये अदर इनकम जो है ये कंपनी की नेट प्रॉफिट पर असर डालती हैं, बट आपको हमेशा इन्हें नेट प्रॉफिट से अलग हटा कर देखना है। तब अगर कंपनी अपना धंधा करते हुए अपने धंधे से मुनाफा कमा रही है तब तो वो कंपनी निवेश के लायक है। अगर कंपनी अपने धंधे से मुनाफा नहीं कमा रही है फूड एंड ड्रिंक्स की तरह, तो कंपनी निवेश के लायक नहीं है। ऐसी कंपनियों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। उम्मीद है फ्रेंड्स कि जो ये आज का सेशन था और जो हमारी ये सीरीज़ है ये आपको कुछ ना कुछ सिखा रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और ज़रा दो तीन कंपनियों के नाम डालिए और हमें बताइए कि ऐसी कौन सी कंपनियाँ हैं जिनका अदर इनकम तो बहुत ज़्यादा है बट कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत कम है, यानी जहाँ पर आपको फंसाया जा सकता है। ऐसी कंपनियाँ आपको फंसा लेती हैं अपना रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ज़्यादा दिखाकर और आप उसमें निवेश कर देते हैं, उसके बाद लंबे समय के लिए फंस जाते हैं। तो ज़रा ऐसी कुछ कंपनियों के नाम कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आप सीख रहे हैं हमारे साथ और भविष्य में आने वाला समय आपके लिए अच्छे शेयर्स लेकर आएगा, चूंकि आप अपने नॉलेज के हिसाब से अच्छे शेयर्स एनालाइज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का सेशन न सिर्फ आपको पसंद आएगा बल्कि आपको कुछ सिखाएगा भी। मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर, साथ ही आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। शेयर एकेडमी एक ईमानदार कोशिश है नॉलेज शेयरिंग की। मार्केट में चल रहे लाखों रुपए के सेमिनार में दिया जाने वाला नॉलेज हम यहाँ पर आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं। सो जुड़े रहिए शेयर एकेडमी के साथ और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।